नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने इंदौर से उदयपुर की मेरी रोड जर्नी देखी राजस्थान रोडवेज की साधारण बस में। अब मैं उदयपुर आ गया हूं, तो मैं अब यहां से इंदौर जा रहा हूं वीरभूमि एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा। तो आइए इस जर्नी को भी देखते हैं। दोस्तों, उदयपुर बस स्टैंड से बाहर निकलने के बाद मैंने सबसे पहले खाने की होटल को ढूँढा, क्योंकि मैं पूरे दिन से भूखा था और सुबह 5 बजे से बस में बैठा था और बस ने कहीं भी हॉल्ट नहीं लिया था लंच के लिए, मतलब कहीं भी लंच ब्रेक नहीं लिया गया था। तो सिर्फ मैंने नाश्ता ही किया था और मुझे तेज़ों से भूख लग रही थी। तो बस स्टैंड के सामने ही मुझे श्री कृष्ण भोजनालय के नाम से एक होटल दिखा, जहां 140 रुपये की थाली थी और बहुत स्वादिष्ट और घर जैसा खाना था, जिसे खा के मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी दाल बाटी भी है अपने यहाँ? दाल बाटी नहीं, चलो ठीक, ये क्या दही है, ये क्या है? अच्छा, गोभी के आलू, ये पत्ता गोभी, ये पनीर, बेसन गट्टा, ये दाल कड़ी। खाना खाकर मैं रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, तो रेलवे स्टेशन के ठीक पहले मुझे एक बहुत ज़्यादा बड़ा कचरे का ढेर दिखा और वहाँ इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि मुझे पैदल चलना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। उदयपुर भारत का एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं टूरिज़्म के लिए, और वहाँ के अगर रेलवे स्टेशन के बाहर इतनी गंदगी होगी तो फिर हम हमारे टूरिज़्म को कैसे बढ़ाएंगे। मतलब मुझे ये देखकर बहुत बहुत ख़राब लगा कि हम अपने शहरों को साफ़ नहीं रख रहे हैं। चाहे कोई भी शहर हो पूरे देश का, वो साफ़ होना चाहिए और एटलीस्ट जहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं वहाँ तो सफाई होनी चाहिए। उदयपुर एक तरफ तो इतना सुंदर शहर है, हम यहाँ इसे झीलों का शहर कहते हैं और मेवाड़ की शान कहते हैं, और दूसरा इतनी गंदगी, मतलब मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की नगर निगम, यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, इतनी गंदगी, मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही है मुझे कि मतलब बेहोश हो जाए कोई इंसान। ये रेलवे स्टेशन है उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, उदयपुर का रेलवे स्टेशन है, और ये जो ट्रेन खड़ी है ये इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस है, जबकि इस पर जो लिखा हुआ है वो इंदौर दौंड एक्सप्रेस लिखा हुआ है, लेकिन नंबर वही लिखा है 19316, लेकिन जो नाम लिखा है वो इंदौर दौंड, इंदौर दौंड तो इंदौर पूना चलने वाली गाड़ी है, और ये है कोच S7। चलिए चढ़ते हैं, देखते हैं। सीट नंबर 78। चलिए, ये है बर्थ आज हमारी इंदौर तक। ये जो ट्रेन है ये असरवा यानी कि अहमदाबाद से चल के आ रही है, वीरभूमि एक्सप्रेस इसका नाम है, लेकिन इसमें जो कोच लगे हुए हैं वो इंदौर दौंड के नाम से भी उन पर नंबर प्लेट लगी है, यानी इन कोचेस को दो अलग अलग गाड़ियों में यूज़ किया जाता है आमतौर पर, एक तो इंदौर दौंड के लिए और एक इंदौर अहमदाबाद के लिए यानी वीरभूमि एक्सप्रेस के लिए। और मैंने आज स्लीपर में टिकट तत्काल का बुक कराया था, तो कोच मिला है मेरे को S7 और सीट नंबर 78, जो कि अपर बर्थ है, और वैसे भी टोटल रात का सफ़र है तो सोते हुए जाना है। और देखिए, ये VAP7, मतलब बहुत शानदार इंजन है, VAP7 के साथ ये ट्रेन आज ट्रेवल करेगी, तो अच्छा मजबूत इंजन है, पावरफुल इंजन है मतलब। और कितने सारे डॉग्स हैं ये देखिए रेलवे स्टेशन पर, उदयपुर रेलवे स्टेशन पर कुत्तों का आतंक, करीबन 10-12 कुत्ते हैं। टिकट लिया बेटा, तो टाटा बाय बाय कर रहे हैं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को। मैं सच कहूँ तो मुझे उदयपुर की साफ़ सफाई और गंदगी, मतलब गंदगी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उदयपुर में हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, मतलब उदयपुर के जो पैलेस वगैरह हैं उनको देखने, और इसी शहर में इतनी गंदगी, मज़ा नहीं आया। जिस सिटी में आपके इतने फॉरेनर्स आते हैं वहाँ इतनी गंदगी, मतलब आप रेलवे स्टेशन के बाहर जो गंद था, इतना कूड़ा और इतनी तेज़ गंदी स्मेल आ रही, वहाँ से मैं पैदल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इतनी हालत ख़राब थी। तो इतनी गंदगी, ओ माय गॉड।
मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह 6:30 बजे 6:32 पर ट्रेन ने मुझे इंदौर के रेलवे स्टेशन पर उतार दिया है और अपने तय समय से आधा घंटा पहले आ गई ट्रेन और पूरी जर्नी जो है ठीक ठाक रही। जैसे स्लीपर कोच में होती है शोर शराबे वाली, वैसी ही जर्नी रही है। तो ये पूरी तरह से ओवरनाइट जर्नी थी और इसमें ज़्यादा सीन सीनरीज दिखाने के लिए वैसे कुछ था नहीं और मैं थक भी काफ़ी गया था। उदयपुर में तो मैंने सोना ही उचित समझा, लेकिन नींद तो मुझे आई नहीं। रात भर मैं परेशान होता रहा और ठीक है, ट्रेन ओके है, टाइमिंगली चल रही है। बाकी इस ट्रेन में अगर आप थर्ड एसी में, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो शायद स्लीपर कोच मुझे इतना कंफर्टेबली नहीं लगा। शोर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ, बहुत शोर करते हैं लोग और रात भर यहाँ पे क्या छोटे छोटे स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती है। हर 20 मिनट बाद कोई स्टेशन आ रहा है, 10 मिनट बाद स्टेशन आ रहा है और ये ट्रेन रुकते 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 आती है, तो बहुत शोर होता है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि शायद थर्ड एसी ज़्यादा बेटर है। अगर आप आराम से सो कर आना चाहते हैं, दिन का समय होता है ना तो कितना भी शोर हो चलता है, रात के समय अगर लोग आपको वॉकिंग कर रहे हैं उस पैसेज में कोच के अंदर और शोर कर रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। तो बाकी सब ठीक है, पहुंच गए समय पे और फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी अन्य जर्नी में जल्द ही। तो बने रहिएगा चैनल में।